ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तान के प्यार में ये नया बांग्लादेश किस कदर दीवाना हो चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। ये बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है, वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। बांग्लादेश के नेशनल एंथम अमर सुनार बंगला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अब इसी पिक द रीसेंट कंट्रोवर्सी दैट द बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट डिमांडिंग दैट देयर शुड बी अ चेंज इन द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग आल्सो इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। क्या बांग्लादेश की यूनुस सरकार का रिमोट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है व्हिच वाज एक्चुअली रिटन बाय आवर रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेशी नेशनल एंथम व्हिच इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर हुज द यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बंगला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश को एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और यहां पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या। सलाम अलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश वो मुस्लिम रियासत है जिसका झंडा भी डिजाइन किया इंडिया ने, जिसका तराना लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जो इंडियन था। उसके अलावा जो दोस्तों नारा दे दिया जो बंगला, वो भी हिंदुओं का ही नारा था। और अब बांग्लादेश ने इन सभी चीजों को तब्दील करने का फैसला किया है जिसमें तराना वही होगा जो पाकिस्तान का तराना है, पाक सर जमीन शादबाद वाला। और दोस्तों उसके अलावा परचम भी तब्दील किया जाएगा जिसमें मुस्लिम होने की झलक दिख सके, क्योंकि इस परचम में आपको मल्टी कलर का जिसे भगवा कलर कहते हैं वो हिंदू कलर को दिखाने के लिए रखा गया है। उसके अलावा दोस्तों जो नारा है उसे भी चेंज कर दिया गया है, जो बंगला की जगह बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा लगाया जाएगा, जो शो को कोई भी नहीं जानता। और दोस्तों अब ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। दोस्तों आगे क्या होता है, दोस्तों ये चीजें कब चेंज होंगी और इसका भारत पर क्या बड़ा फर्क पड़ा है, वो आगे भी आपको सुनाते हैं। जाएंगे जब तक वहां की कट्टरपंथियों की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती है। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने, स्पेशली जमात इस्लाम के लोगों ने कुछ ऐसी डिमांड रखी है वहां की इंटरिम गवर्नमेंट के सामने जिसे हम शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। वहां के कट्टरपंथियों ने डिमांड रखी है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है और नेशनल फ्लैग है वो दोनों ही हटाए जाने चाहिए और उनकी जगह नया नेशनल एंथम और नया नेशनल फ्लैग इनोवेट करना चाहिए। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का ये मानना है कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है व्हिच वाज एक्चुअली रिटन बाय आवर रिस्पेक्टेड रविंद्रनाथ टैगोर, वो बांग्लादेश पे इम्पोज किया हुआ है। नेशनल फ्लैग जिसका अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग है, आप देख सकते हो बांग्लादेश का जो फ्लैग है कितना ब्यूटीफुल है, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां, इमेजिन 53 ईयर्स से जो नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग वहां के लोगों के सोल में बस चुका है जो उनकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो उनकी पहचान है वो उसी को चेंज करने में लगे हुए हैं। अब इससे वाहियात तो चीज और क्या ही हो सकती है। स्टडी क्यों, मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं के जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के रहन होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहां पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है। आप अगर इंडिया के आसपास ज्यादातर जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई है कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है। अगर द रीसेंट कंट्रोवर्सी दैट द बांग्लादेशी फंडामेंटलिस्ट डिमांडिंग that there should be a change in the national anthem and the national flag also. So there is a section, they are saying that the Bangladeshi national anthem, which is written by Rabindranath Tagore, who is the author of our national anthem also, and it was imposed on them, that's the controversy, and they want to change it, but for time being, they'll keep it as such, but they definitely want to have a change in the national flag with immediate effect. So that's the demand of the fundamentalist. And if you look at most of the Muslim majority countries like Pakistan or Iran or Saudi Arabia or Maldives, if you look at their flag, there is a, you know, sense of religious symbolism. You can as growing calls for a change in the national anthem and flag have sparked intense debates throughout the country. The demands,
largely originating from conservative and religious groups, are raising concerns about the potential erosion of Bangladesh's secular identity and national unity. The current national anthem, Amar Sonar Bangla, was written by the revered Indian poet Rabindranath Tagore. The anthem's lyrics, composed in Bengali, evoke a deep sense of pride in Bangladesh's natural beauty. Bangladesh mein ek aur nayi demand uthi hai, aur ye demand hai Bangladesh ke national anthem, national flag aur even constitution ko change karne ko lekar. Halanki Bangladesh mein national anthem ko change karne ko lekar ye demand pehli baar nahi uth rahi hai, lekin Sheikh Hasina ki sarkar jane ke baad jab Bangladesh bure halaat se guzar raha hai, ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सुनार बंगला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सुनार बंगला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं, कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल है। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में, हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया। अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था, वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जाए। सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने। अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलीडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी है जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और इस नेशनल एंथम को भी चेंज करने का टाइम आ चुका है। इनको एक ऐसा नेशनल एंथम चाहिए जहां पर इस्लाम रिलीजन पर ज्यादा फोकस किया गया हो। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि ये सब इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है, देखो यहाँ पे आप नोट कर पाओगे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है ये बहुत सारा इंटरेस्ट शो कर रही है आज के समय बांग्लादेश पर। हाल ही में हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश, आपने बात नोट एंथम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सो इन द बैकड्रॉप ऑफ द काइंड ऑफ सेंटीमेंट्स अगेंस्ट द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश दैट वी आर सीइंग, जमाते इस्लामी आर ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड इट्स एजेंडा ऑफ इस्लामिज्म एंड ट्राइंग टू निगेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नारायण दास हु डिजाइंड द फ्लैग ऑफ बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ कोर्स रोट द एंथम। माय कॉलीग सिद्धांत इज विद मी ऑन द ब्रॉडकास्ट। सिद्धांत, व्हाइल वी आर सेइंग दैट पीपल हैव टेकन टू द स्ट्रीट, वेयर इज जमात रियली ड्रॉइंग इट्स कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट सच अ प्रपोजल विल हैव टेकर्स? The fact is that there is this retired brigadier, his name is Abdullah Aman Aziz Azmi. He's the son of one of the founding members of Jamaat-e-Islami in Bangladesh. So he has come up with this idea of changing the national flag and national anthem of Bangladesh. And he made this a statement. There are many free-minded people, those who still believe that that you know the national anthem and national flag should remain the same of Bangladesh. But